आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। डॉक्टर कमल गुप्ता जी से निवेदन करता हूं ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। श्यामि अहम भारतस्य प्रभुताम अखंडतांच रक्ष्यतामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण वा स्वकर्तव्यानां शुद्धांत करनेन श्रद्धापूर्वकं निर्वहनं करिव्याशिम तथा भयं पक्षपातं देशं अनुरागं विना सर्वान जनान प्रति संवाद विद्यो अनुसारेण न्यायम करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञाम करोइम यत् हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व मम विचारार्थ यह विषय अनितो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तम विषयम उपयुक्तम मंत्रिणम संबंधारीकरण या विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान व्यक्ति विशेषान न सुयच्छामि तथा स्वकर्तव्यानाम सम्यक निर्वहनम करिष्यामि। सो कमल गुप्ता, डॉक्टर कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक कर सभी विधायक जो हैं मंत्री पद की शपथ लेंगे और डॉक्टर कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। सो फिलहाल ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और एक एक कर सभी विधायक जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। सो गवर्नर मौजूद हैं और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद हैं और एक एक कर सभी विधायक जो हैं मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सो डॉक्टर कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है और ये देखिए आशीर्वाद लेते हुए, गवर्नर का आशीर्वाद लेते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता नजर आ रहे हैं और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी उनको शुभकामनाएं दी और एक एक कर अब सभी विधायक जो हैं मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्रीमती सीमा त्रिखा जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्रीमती सीमा त्रिखा जी की से निवेदन करता हूं
कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं सीमा त्रिखा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सीमा त्रिखा ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। भारत के हरियाणा राज्य की एक राजनीतिज्ञ हैं और हरियाणा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। 2014 से हरियाणा के फरीदाबाद में बड़खल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आज एक एक कर सभी विधायक जो हैं पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सीमा त्रिखा जो हैं वो फरीदाबाद में बड़खल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और काफी काम सीमा त्रिखा ने कराए हैं और लगातार जनता के सहयोग से वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीमा त्रिखा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली हैं और थोड़ी ही देर में जो है प्रभार भी उनको सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। आज 7 से 8 विधायक जो हैं मंत्री पद की शपथ लेंगे। सीमा त्रिखा जो बड़खल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और लगातार बड़खल विधानसभा में जनता की समस्याओं को लगातार सुनती हुई आई हैं और उनका सहयोग भी उनको हमेशा से ही मिला है और भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी सालों से सीमा त्रिखा जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और आज सीमा त्रिखा ने पद और गोपनीयता की पतली। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और सीमा त्रिखा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इससे पहले डॉक्टर कमल गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। सीमा त्रिखा जो हैं वो हरियाणा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं 2014 से और हरियाणा के फरीदाबाद में बड़खल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सीमा त्रिखा काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं और लगातार जनता के सहयोग से उनकी समस्याओं को सुनना, उनके साथ जाना, ये हमेशा से सीमा त्रिखा के राजनीतिक सफर का अहम हिस्सा रहा है और राज्यपाल और हरियाणा के सीएम नायब सैनी उनको शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। सो डॉक्टर कमल गुप्ता के बाद सीमा त्रिखा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महिपाल डांडा जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महिपाल डांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं महिपाल डांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपको बता दें कि महिपाल ढांडा एक जाट नेता है। महिपाल ढांडा 2014 चुनाव में करनाल लोकसभा सीट की टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा और तब से ही महिपाल ढांडा जो है भारतीय जनता पार्टी में है और लगातार जो है वो लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों के साथ जाना और किस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है, महिपाल ढांडा का इसमें पूरा योगदान रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी आज सौंपी है और मंत्री बने हैं महिपाल ढांडा। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए महिपाल ढांडा जो हैं वो नजर आए। आपको ये भी बता दें कि महिपाल ढांडा वैसे पेशे से एक व्यवसायी हैं और पुराने आरएसएस सदस्य भी रहे हैं। 1980 के दशक में भाजपा की युवा शाखा के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा उन्होंने शुरू की और पार्टी में लगातार काम करते हुए उन्हें कहीं पद भी मिले जिसमें पार्टी ने उन्हें एक बार किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। महिपाल ढांडा ने साल 2014 में पानीपत ग्रामीण से अपना पहला चुनाव लड़ा था और आज महिपाल ढांडा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और हरियाणा के मंत्री के रूप में अब से वो जाने जाएंगे। तो शुभकामनाएं देते हुए जो हैं सभी उनको नजर आ रहे हैं, गवर्नर के पैर छू के उन्होंने बधाई ली और साथ ही साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी उन्हें बधाई देते हुए नजर आए और सभी जो हैं उनका वेलकम कर रहे हैं। महिपाल ढांडा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री असीम गोयल जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री असीम गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं असीम गोयल ननियोड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं असीम गोयल ननियोड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों
तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो असीम गोयल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक रहे हैं। साल 2014 और साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में अंबाला शहर से हरियाणा विधानसभा के लिए चुने गए थे और आज असीम गोयल ने मंत्री पद की शपथ ली है। तस्वीरें आपकी टीवी पर है। इसके अलावा सीमा त्रिखा ने भी आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है, लेकिन अभी आप तस्वीरें असीम गोयल की देख रहे हैं। असीम गोयल ने मंत्री पद की शपथ ली है। अंबाला शहर से विधायक चुने गए थे साल 2014 में। साल 2019 में और हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र में अंबाला सिटी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। असीम गोयल को सर्वश्रेष्ठ विधायक भी चुना गया था। अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल लगातार दूसरी बार साल 2019 में चुने गए थे और उन्हें विधानसभा के 90 विधायकों में से इस बार सर्वश्रेष्ठ विधानसभा विधायक चुना गया है और असीम गोयल के साथ दूसरे नंबर पर जननायक जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे। लेकिन बड़ी बात यही है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा पसंदीदा और सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर राज्यपाल महोदय ने चुना गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अभय सिंह यादव जी की हरियाणा के राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अभय सिंह यादव जी से निवेदन करता हूँ कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं डॉक्टर अभय सिंह यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। डॉक्टर अभय सिंह यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो डॉक्टर अभय सिंह यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है। पद और गोपनीयता की शपथ आज ली गई है। तस्वीरें आपके टीवी पर है।
आपको बताते चले कि साल अभय सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा विधानसभा के सदस्य हैं, जो हरियाणा में नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आज उसी डॉक्टर अभय सिंह यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है। अगर साल 2021 की बात करूं तो हरियाणा विधानसभा सत्र में अभय सिंह यादव को कांग्रेस के वरुण चौधरी के साथ हरियाणा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी दिया गया था। तो अभी आप डॉक्टर अभय सिंह यादव की तस्वीरें देख रहे हैं, खबर फास्ट लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। अभय सिंह यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है, हरियाणा विधानसभा के सदस्य हैं, जो हरियाणा में नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री सुभाष सुधा जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री सुभाष जी के निवेदन करता हूं कि वो पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं शुभाशुदा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शुभाशुदा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इसके बाद नंबर आता है सुभाष सुधा का, जो थानेसर से विधायक है। आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा सीमा त्रिखा ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है, और आज सुबह तब जानकारी मिली उनकी पत्नी को, यानी कि सुभाष सुधा की पत्नी को जानकारी मिली कि आज उनके पति मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, तो इस दौरान उनकी पत्नी भावुक होती हुई भी नजर आई। थानेसर से विधायक है सुभाष सुधा। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी तारीख ऐलान होने के बाद हरियाणा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है, और इसी कड़ी में आज हरियाणा कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार अभी चल रहा है, और इस संबंध में राजभवन की ओर से सूचना भी जारी कर दी गई थी। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी आप तस्वीरें सुभाष सुधा की देख रहे हैं, जो थानेसर से विधायक है, और अभी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है।
इससे पहले आपने डॉक्टर असीम गोयल को देखा, डॉक्टर अभय यादव को भी देखा, उन्होंने भी अपनी मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन कैबिनेट विस्तार के बारे में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री की तरफ से आज बयान दिया गया और मंत्रिमंडल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। घरोंडा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कहना है पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का। लेकिन सुभाष सुधा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, थानेसर से विधायक है, अभी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से आशीर्वाद ले रहे हैं, नए नवेले मुख्यमंत्री से भी हाथ मिला रहे हैं, तस्वीरें आपके टीवी पर। सुभाष सुधा ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री विशंबर सिंह वाल्मीकि जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विशंबर सिंह वाल्मीकि जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं विशंबर वाल्मीकि ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा।